हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा मैंने आपको क्या है स्टेटमेंट के बारे में बताया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो उसमें आगे अपने सिंपल स्टेटमेंट लेते हैं। तो सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट हुज ट्रूथ वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन दी अदर स्टेटमेंट। तो जिसकी ट्रूथ वैल्यू किसी दूसरे स्टेटमेंट पे डिपेंड नहीं करती हो, ठीक है। तो जैसे देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एनी स्टेटमेंट एनी स्टेटमेंट हुज ट्रूथ वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर स्टेटमेंट, इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट। तो एक ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा कथन जिसकी सत्यता मान, मतलब उसकी जो सत्यता मान है वो किसी दूसरे कथन पर निर्भर नहीं करता हो, तो ऐसा कथन क्या कहलाता है आपके पास में, सरल कथन कहलाता है, ठीक है। तो जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल तो इसको देखो जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, मतलब ही पी क्यू से। सो दीज आर, इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे लिख देना, इट इज डिनोटेड बाय पी क्यू एंड आर, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। सो रूट टू इज ए रेशनल नंबर, रूट टू is an irrational number, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू पर कोई दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। सो जैसे देखो और दूसरा बोल रहा हूं मैं, क्या है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज एन इनफाइनाइट सेट, द सेट ऑफ रियल नंबर्स is an infinite set है। फिर इसके बाद में आता है बेटा आपके पास में कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट विच कंटेन्स द टू और मोर स्टेटमेंट, ठीक है। तो जिसमें दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट हो, इस कॉल द कंपाउंड स्टेटमेंट। इसमें मैं क्या कह रहा हूं, ए स्टेटमेंट विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट, तो सिंपल स्टेटमेंट आर कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। ये जिसमें दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट हो, ठीक है, और कॉल्ड द कंपाउंड स्टेटमेंट, उनको कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे। तो देखो इसमें जैसे देखो इफ एक्स इज डिविजिबल बाय टू, देन इट इज इवन नंबर, देन इट इज इवन नंबर। इस तरीके से और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो इसमें।
एंड फाइव आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, दो को कंबाइंड किया गया, दो टू एंड फाइव आर प्राइम नंबर्स। इस तरीके से आपने ये, मैंने अब इसमें देखो, अब इसमें इन ऑर्डर टू कंबाइन द टू फॉर्म ए कंपाउंड स्टेटमेंट, तो कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए आपके पास में देयर आर सम मैथमेटिकल कनेक्टिव्स विच आर यूज टू फॉर्म द कंपाउंड स्टेटमेंट। तो आपके पास में कुछ सिंबल आएंगे बेटा, ठीक है, अपने को स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए। जैसे देखो, आपको पता है थोड़ा बहुत आपको सेट्स के बारे में आता होगा, तो सेट आपको आना, अगर सेट आपको ढंग से आता है तो इस टॉपिक में आपकी वो काफ़ी हेल्प करेगा। तो जैसे देखो, आपके पास में ये वहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ये एंड का काम करेगा, एंड का, ठीक है, और ये आपके पास में ए और बी होता है ना, ए यूनियन बी, तो ये यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे और का काम करेगा। किसका काम करेगा? और का। अब मैं क्या कहता हूँ इसमें देखो, लॉजिकल कनेक्टिव्स की बात करते हैं। सो लॉजिकल कनेक्टिव्स, इसमें देखें नगेशन ऑफ, एक पहले एक नगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, तो नगेशन ऑफ ऑफ ए स्टेटमेंट पी इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, देखो इस सिंबल से आएगा नगेशन ऑफ पी। अब जैसे देखो मैं इसमें क्या कह रहा हूं, टू इज ए प्राइम नंबर, ठीक है, तो इसका नगेशन क्या आएगा, टू इज नॉट प्राइम नंबर, इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं क्या लॉजिकल कनेक्टिव्स की बात करता हूं, तो लॉजिकल कनेक्टिव्स द सिंबल्स विच आर यूज टू फॉर्म द कंपाउंड स्टेटमेंट, सिंबल्स विच आर यूज्ड to form compound statement, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें मैं इसमें जो सिंबल बता रहा हूं, इसमें देखना अपने पास में क्या क्या है, तो जैसे सीरियल नंबर इधर इधर कनेक्टिव्स आएगा, तो उसका सिंबल रहेगा इधर, और इधर इसका यूज, फिर उसका ऑपरेशन भी, उसका ऑपरेशन क्या रहेगा, नेचर, या नेचर कह सकते हो, ठीक है, उसकी प्रकृति, फिर उसका नगेशन देख लेंगे साथ साथ, नगेशन, ठीक है।
तो इसमें देखो पहला बेटा क्या आपके पास में, यहाँ पे सिंबल क्या आपके पास, जिससे देखो मैं कहता हूँ एंड है, कनेक्टिव एंड, तो सिंबल इसका ये रहेगा, तो यूज इसका पी एंड क्यू। जैसे मैंने यूज किया था ना, 2 and 5 आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। और भी आप इसमें जैसे देखो, इसमें मैं ये कह देता हूँ, सो दिल्ली एंड बॉम्बे आर मेट्रो सिटीज ऑफ द इंडिया, क्लियर है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यू कैन टेक मैनी एग्जांपल्स देयर। सो ऑपरेशन इसका क्या रहेगा आपके पास में, कंजंक्शन, कंजंक्शन इसको बोलते हैं संयोजन, हिंदी में बोल रहा हूं मैं संयोजन। इसका नगेशन क्या रहेगा आपके पास में, साथ साथ लिख रहा हूं। जैसे देखो आपके पास में सेट में, सेट में जैसे देखो ए इंटरसेक्शन बी का नगेशन, मतलब इसका कंप्लीमेंट क्या रहता है, ए डैश यूनियन बी डैश रहता है। तो ऐसे इसमें जब ये है ना, ये जब अंदर जाएगा ना, इसमें देखो एंड क्या बन गया, इसमें और में चेंज हो गया, तो इसका जब आप नगेशन करोगे तो ये आपके पास में और में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैंने जैसे आपको क्या बताया था, तो 2 और 5, 2 and 5 था ना, 2 and 5, 2 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, 2 and 5 आर प्राइम नंबर्स है, तो उसका अपने नगेशन क्या आएगा, 2 और 5 आर नॉट प्राइम नंबर, तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा, समझ रहे हो ना। ये साथ साथ देखते जाना अब इसको, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें और आएगा, तो इसके लिए सिंबल ये रहेगा, तो पी और क्यू, ये डिसजंक्शन रहता है, डिसजंक्शन वियोजन, डिसजंक्शन वियोजन, ठीक है हिंदी में। तो इसका सिंबल क्या रहेगा फिर आपके पास में, वो बता दिया मैंने। इसका जो नगेशन आता है वो देखो ऐसा है, इसका क्या रहेगा आपके पास में, नगेशन ऑफ पी एंड नगेशन ऑफ क्यू। इससे फिर वही है, जैसे देखो आपके पास में बेटा ए और बी, इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा आपके पास में, इस फॉर्म में ले लो, तो उसको जैसे मैंने इसको देखो नगेशन आ जाएगा, यहां पर डैश की जगह यहां पे नगेशन का है, नकारात्मक, ये नकारात्मक हो गया ना, उसका कथन का नकारात्मक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो थर्ड में आपके पास में इफ देन, यदि तो इसका सिंबल क्या रहता है, ये या ऐसे दो, तो इसको इस तरीके से बेटा, ठीक है। ये कंडीशनल होता है, प्रतिबंधित, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रतिबंधित हो गया ये आपके पास में, सह मतलब सह प्रतिबंधित कहते हैं हिंदी में, मतलब इसको कंडीशनल, चलो पहले इंग्लिश में लिख देता हूं बेटा, कंडीशनल सह प्रतिबंधित, इस फॉर्म में। इसका जो नगेशन है वो क्या रहेगा, ये ध्यान देना इधर, तो इसमें जेई मेन में आता रहता है इससे रिलेटेड, तो पी एंड नगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया था ना, इफ एक्स इज क्या है, मतलब डिविजिबल बाय 2, इफ एक्स इज डिविजिबल बाय देन इट इज इवन नंबर, फिर इसमें क्या बनेगा, अब इसमें देखो इसको अपने वर्ड में लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स इज डिविजिबल बाय 2 एंड इट इज नॉट इवन नंबर, बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो उसमें मैंने क्या कहा, इफ एक्स इज डिविजिबल बाय 2 देन इट इज इवन नंबर, फिर उसको अपने देखो उसका नगेशन कैसा है, एक्स इज डिविजिबल बाय 2 एंड इट इज नॉट इवन नंबर, समझ गए। अब उसमें देखें नेक्स्ट में आपके पास में,
इसमें इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, यदि और केवल यदि, ये रहता है। इसका सिंबल क्या आता है बेटा, सिंबल इसका, इसका सिंबल ये रहता है, ठीक है, या ऐसे, तो इसमें इस तरीके से रहेगा। ये द्विप्रतिबंधित होता है, बाई कंडीशनल, इसको बाई कंडीशनल, ठीक है। तो बाई कंडीशनल होगा। इसका जो नेगेशन है वो किस टाइप का रहता है, देखो इसमें, या तो इसको देखो ऐसे करोगे और या ऐसे लिख दो, P implies both ways, negation of Q, ये इस तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। या इसमें देखो एक और भी होता है, इसमें यह सभी यूनियन नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये दोनों का यूनियन रहेगा फिर, या इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये मैंने आपको, देखो बेटा ये जो ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए सब, ठीक है। तो इसमें नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, ये ध्यान रहे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो जाए, ये यहाँ पे ये इस तरीके से बना देता हूँ ये, ठीक है। तो ये बेटा आपको ध्यान में रहना चाहिए। सो नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। अब इसमें आगे देखो, आपके पास में ट्रुथ टेबल, सो ट्रूथ टेबल में देखें बेटा, सो व्हाट इज द ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल में देखो कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, सो वी प्रिपेयर ए ट्रूथ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स सब स्टेटमेंट यूजिंग ऑल द लॉजिकल पॉसिबिलिटीज। तो क्या है, In order to know the truth value of of a compound statement
in order to know the truth value of a compound statement. A truth table is prepared. Truth table is prepared by using the truth values of its substatement. ठीक है. So in order to know the truth value of a compound statement, a truth table is prepared by using the truth values of its substatement. तो अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, देखो अब इसमें मैं क्या कह रहा हूं, इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू है, सो देन इट्स ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू इज टी. इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई फिर आपके पास में, टी. तो इसमें अगर इफ ए स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर फॉल्स है देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ. क्लियर है? तो ये आपके पास में, जैसे देखो मैं इसमें चार टाइप की ट्रूथ टेबल बना रहा हूं, तो मेन क्वेश्चंस क्या उन्हीं के अराउंड रहता है, ये ध्यान रहे. तो जैसे देखो आपके पास में क्या कह रहा हूं मैं, तो पी और क्यू का ट्रूथ टेबल बना रहा है, पी और क्यू का. तो देखो कैसे बनेगा, अब आपके पास में सो ट्रूथ टेबल ऑफ, सो पी क्यू, इसमें टी टी एफ एफ ले लो ऐसे, इधर टी एफ. अब नाउ बेटा ये ध्यान में रखना, टी और टी क्या होगा, टी और टी हमेशा टी होता है, बस ये मेन आपको ये ध्यान में रखना है. तो इधर टी और एफ टी, तो एफ और डी टी एंड एफ और एफ एफ, ठीक है. तो अब इसके लिए देख रहा हूं, इसके लिए मैं कह रहा हूं, इसमें देखो आपके पास में क्या रहेगा, सो पी एंड क्यू, इधर आपके पास में टी टी एफ एफ इस फॉर्म में, इधर टी एफ टी एफ, ठीक है. तो ये आपके पास में क्या रहेगा इसका, टी दिस इज एफ, दिस इज एफ, दिस इज एफ, इस फॉर्म में, ठीक है. फिर नेक्स्ट वाले में देखो P इंप्लाइज Q, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दें. अब मैं क्या कह रहा हूं, इसमें P इंप्लाइज Q, इसमें देखो तो ये आपके पास में क्या आएगा, T T F F, इधर तो T F, तो T F इस फॉर्म में. तो बेटा P इंप्लाइज Q, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, देखो ये इधर जो इसका लेटर होगा वही इधर आएगा, तो T implies F, that will be F, F implies T, T. अगर दोनों इसमें F हो तो then it is T. तो ये एक चीज ध्यान में रखना, इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, T implies T, T, T implies F, F. तो ये इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, जैसे T, T implies F, F, F implies T, T, and F implies F. That is T, इस फॉर्म में. अब देखो नेक्स्ट में आपके पास में किसकी बता रहा हूं, इसकी बात करें,
ठीक है, तो पी इसमें देखें आपके पास में क्या आएगा, टी, अगर कोई एक एफ हो गया इसमें तो एफ है, सो हियर टी, तो ये ध्यान में रखें, दिस इज टी एफ, एफ इंप्लाइज बोथ वेज, तो दोनों तरफ अगर आपके पास में एफ आता है, अगर दोनों एफ हैं तो बेटा आपके पास में टी आएगा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको इस तरीके से बताया, बट इज द टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन। तो टोटोलॉजिकल, टोटोलॉजी क्या होती है, टोटोलॉजी, ठीक है, पुनरुक्ति हिंदी में, इफ ए स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू इन ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज, तो इसमें मैं क्या कह रहा हूं, इफ ए स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है, इन ऑल लॉजिकल, मतलब सभी आपके ऑपरेशन उसमें लॉजिकल कनेक्टिव्स, कनेक्टिव्स मतलब ऑल लॉजिकल कनेक्टिव्स, इन ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटी, सभी जितनी भी संभाविक वो जितनी पॉसिबिलिटी लॉजिकल उसमें आपने कंबाइंड करके लगा दिया, ठीक है, इज ऑलवेज ट्रू इन ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी, इसको क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी बोलेंगे, इट इज डिनोटेड बाय सो टी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो इसमें फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास में, तो अगर मैं ये कहता हूं सो पी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ऐसा है, ये हमेशा क्या रहेगा, दिस इज टी, दिस इज टी, इसमें देखो आपके पास में इसका अगर अपने ट्रूथ टेबल बनाए तो आपको वहां से पता लग जाएगा, कैसे, टी टी एफ एफ, इधर क्या आएगा, टी एफ टी एफ, सो हियर भी है पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू करेंगे तो बेटा आपके पास में इधर टी, इधर एफ, इधर एफ, दिस इज एफ, ठीक है, तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो अब इसमें देखो आपके पास में दिस इज एफ, दिस इज टी, टी टी, ठीक है, इधर आपके पास में ये, इसका अपने यूनियन लेने किसके साथ में, तो देखो अब इसका और इसका यूनियन लेना, ये ध्यान देना, समझना इसको, इसका और इसका बेटा, तो टी, तो दिस इज टी, दिस इज टी टी, सो दिस इज टोटल लॉजी, सो इन ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज लगाकर सो वी हैव ऑब्टेंड हियर इट्स वैल्यू इज टी, सो दिस इज टोटोलॉजी, ये टोटोलॉजी हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसमें कंट्राडिक्शन क्या आती है, कंट्राडिक्शन यानी विरोधोक्ति, कंट्राडिक्शन, विरोधोक्ति, इफ ए स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स, ऑलवेज फॉल्स, ठीक है, अगर ऑलवेज फॉल्स है इन ऑल स्टेटमेंट, इन ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज, ठीक है, इन ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन, इसको क्या बोलेंगे, कंट्राडिक्शन बोलेंगे, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सी, तो इसको अपने स्मॉल सी से लिखते हैं,
अब जैसे देखो इसमें अपने को देखना है, इसमें बहुत सारे आपके पास में क्वेश्चन आप बना सकते हो ऐसे, तो हेयर भी है आपके पास से, पी एंड क्यू आ गया आपके पास में। फिर देखो इसमें मैं क्या कहता हूं, नगेशन ऑफ पी निकालें, नगेशन ऑफ क्यू, नगेशन ऑफ क्यू एंड नगेशन ऑफ पी और नगेशन ऑफ क्यू, इस तरीके से। फिर अपने इसका इसके साथ में नगेशन ऑफ पी देखो क्या आएगा आपके पास में, एफ एफ, दिस इज टी टी, इस तरीके से। एंड नगेशन ऑफ दिस इज एफ टी एफ टी। अब दोनों का यूनियन करते हैं तो क्या आता है आपके पास में, एफ टी, यहां से आपके पास में क्या आता है, दिस इज टी, दिस इज टी। अब मैं इसका देखो इंटरसेक्शन लेता हूं किसके साथ में, पी एंड क्यू, नगेशन ऑफ पी और नगेशन ऑफ क्यू, ऐसा है। इसका और इसका एंड लेना है तो ये क्या आएगा, एफ, देखो ये टी एंड एफ, एफ इधर आपके पास में एफ, दिस इज एफ, दिस इज एफ, सो हियर इन ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज वी हैव ऑब्टेन्ड। अब इसमें देखो आपके पास में फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी रहता है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट। तो बेटा किसका, पी इंप्लाइज क्यू का, ये ध्यान दें। इसमें देखो आपके पास में विलोम, ये विलोम, ये प्रतिलोम, ठीक है, ये प्रतिधनात्मक, इसको प्रतिधनात्मक। तब अपने पास में देखो कन्वर्स ऑफ P implies Q, इस Q implies P, ये आपके पास में इसका कन्वर्स आ गया, ठीक है। तो अब मैं इसमें इनवर्स ऑफ P implies Q, बेटा इसका इनवर्स क्या आएगा, इस नगेशन ऑफ P implies नगेशन ऑफ Q, इस फॉर्म में। एंड व्हाट इज द कंट्रा पॉजिटिव, कंट्रा पॉजिटिव ऑफ P implies Q is negation of Q implies negation of P, इस फॉर्म में आएगा बेटा। अब देखो आपके पास में इसको कंट्रा पॉजिटिव क्यों कहते हैं, अगर अपने देखो इसको तैयार करें अपने इसके, तो इसकी बात करता हूं मैं। सो नगेशन ऑफ P, नगेशन ऑफ Q, इस फॉर्म में। तो देखो आपके पास में इधर टी टी एफ एफ टी एफ, अब इधर आपके पास में एफ एफ, दिस इज टी टी एंड नगेशन ऑफ दिस इज एफ टी एफ टी, इस फॉर्म में है ना। अब नाउ व्हाट इज द पी इंप्लाइज क्यू, पी इंप्लाइज क्यू भी है यहां पे देखो आपके पास में, टी बेटा, टी इंप्लाइज टी टी, तो दिस इज एफ, अब ये आपके पास में टी, इधर टी। अब मैं आपको इसमें देखो ये कह रहा हूं भी, नगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नगेशन ऑफ पी, इस फॉर्म में निकालो। तो इसका देखें अपने इसकी बात करते हैं, अब ये इधर है तो ये एफ इंप्लाइज एफ टी, तो इधर क्या आ गया आपके पास में एफ, यानी टी इंप्लाइज एफ है, उधर की तरफ जाना है तो एफ आएगा, इधर ये टी और इधर आपके पास में टी, इन दोनों की ट्रुथ वैल्यू क्या आपके पास में सेम है। सो ट्रुथ वैल्यूज
इज सेम. सो दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड द कंट्रा पॉजिटिव. ये कंट्रा पॉजिटिव हो गया, क्लियर है, ऑफ दिस पी इंप्लाइज क्यू का. तो ये ध्यान रहे, ठीक है. तो आपके पास में कंट्रा पॉजिटिव क्या, जैसे मैंने आपको ये कह देता हूँ, मैं अगर ये कहता हूँ इसका फाइंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ इफ राम या मोहन बिकम्स ए टीचर, टीचर देन he will open, he will open a school in village. तो वो क्या एक स्कूल खोलेगा, किसमें, विलेज में बेटा, ठीक है. तो आपके पास में विलेज में जब वो स्कूल खोलेगा तो इसका मैं कंट्रा पॉजिटिव पूछ रहा हूं. तो आपके पास में यहाँ पे देखो कंट्रा पॉजिटिव, पहले तो आपके पास में इस टाइप का आ गया, तो इसका कंट्रा पॉजिटिव आपको ऐसे बनाना पड़ेगा. तो पहले आप क्या लिखोगे, राम विल नॉट ओपन, इफ राम विल नॉट ओपन द स्कूल इन विलेज देन ही विल बिकम. समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ. इफ राम डज नॉट ओपन ए स्कूल इन विलेज देन ही विल बिकम ए टीचर. तो इसका कंट्रा पॉजिटिव ये होगा. इसमें देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा इधर. तो पहले आप इसको सिंपल के मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो. कभी भी क्वेश्चन आता है ना जब ऐसे, तो उसको पहले आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लो बेटा, फिर उसका आप क्या उसको वर्ड में आप इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो. तो इसमें मैं क्या कह रहा हूं, इसमें क्या बनेगा, इफ राम या मोहन, सॉरी मोहन है क्या, इफ मोहन डज नॉट ओपन स्कूल इन विलेज ठीक है, देन ही विल नॉट बिकम ए टीचर. तो वह एक टीचर नहीं बनेगा, ठीक है. तो ये इसका कंट्रा पॉजिटिव आ गया. अगर इसका नेगेशन पूछूं तो नेगेशन क्या आएगा फिर आपके पास में, इसका नेगेशन. सो नेगेशन विल बी इन दिस फॉर्म बेटा, तो वो आपके पास में, तो क्या आएगा इसमें आपके पास में, इफ और देन नहीं लगाना. तो इसमें लिखना है कि मोहन बिकम ए टीचर एंड ही विल नॉट ओपन ए स्कूल इन विलेज. ये उसका आपके पास में नेगेशन आ जाएगा, किसका, पी इंप्लाइज क्यू का. तो नेक्स्ट देखें आपके पास में लॉजिकली इक्विवेलेंस. लॉजिकली इक्विवेलेंस यानी तर्कसंगत तुल्यता.
देखो दो कंपाउंड स्टेटमेंट, दो मिश्र कथन तर्कसंग तुल्यता कहलाते हैं अगर उनकी ट्रुथ टेबल्स क्या सेम हो लास्ट में, ठीक है। तो टू कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर सेट टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम ट्रूथ टेबल, ट्रूथ वैल्यूज, उनकी ट्रूथ वैल्यूज कह रहे हैं, ठीक है। तर्कसंगत तुल्यता तुल्य कहलाते हैं दो मिश्र कथन अगर उनकी आपके पास में सत्यता वैल्यूज क्या समान हो। तो जैसे देखो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं ये कह देता हूँ आपके पास में फॉर एग्जांपल पी इम्प्लाइज क्यू सो दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, इसका सिंबल ये रहता है, तो वो आपके पास में नगेशन ऑफ पी और क्यू। आप देखो इसमें ऐसा नहीं बता सकते, आप ट्रुथ टेबल बना लो, तो ट्रुथ टेबल से बेटा आपके पास में पता लग जाएगा। सो टी एफ इधर क्या आएगा आपके पास में, पी इंप्लाइज क्यू, दिस इज टी, दिस इज एफ, दिस इज टी, दिस इज एफ, ठीक है। इधर सॉरी टी, अब इसमें देखें नगेशन ऑफ पी, नगेशन ऑफ पी दैट इज एफ एफ टी टी। अब अपने पास में इसका क्यू के साथ में ले लें, ठीक है। तो क्यू के साथ में इसका क्या आएगा टी, दिस इज एफ, ठीक है, इट्स टी, दिस इज टी, क्लियर है। तो आपके पास में इनकी ट्रूथ वैल्यू देखो क्या सेम है ना, सो दे आर सेट टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट, तो दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गए, क्लियर है। अब अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स आता है, देखो इसमें लास्ट टॉपिक बेटा अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, ये कुछ रूल है इसमें, तो कॉम्यूटेटिव लॉ जैसे ये इस टाइप के लॉ रहेंगे आपके पास में। इसमें देखो क्या क्या है, तो पहले एडम्पोटेंट लॉ आता है, सो एडम्पोटेंट लॉ एडम्पोटेंट लॉ, ठीक है। इसमें वर्कसम नियम, तो आपने ये कहीं ना कहीं आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा ए स्क्वेयर इजिकल टू ए, तो वैसे इसमें देखो पी और पी इजिकल टू पी एंड, और दूसरा क्या बनेगा इसमें पी एंड पी, पी एंड पी इजिकल टू पी, ठीक है इस फॉर्म में। तो सेकंड इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या आपके पास में पी और क्यू इज इक्वल टू क्यू और पी, ठीक है, एंड पी एंड क्यू, तो क्यू एंड पी एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर एसोसिएटिव लॉ की बात करें, एसोसिएटिव लॉ, थर्ड पी एंड क्यू एंड आर, दिस यू कैन से ऐसे भी हो सकता है, और यू कैन हैव इधर आपके पास में इसको आप क्या लिखोगे पी और क्यू और आर। जैसे सेट में होता है ना बेटा उसी तरीके से रहेगा सेट में,
अगर आपके पास में तीन स्टेटमेंट आती है तो उसमें ये ध्यान रहे, तो इसमें आप क्या करोगे, चार टी सपोज कर लेना इधर पहले चार, फिर चार एफ कर लेना। तो आपके पास में अगर तीन स्टेटमेंट है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज विल बी देयर, टू रेज पावर थ्री। इफ देयर आर एन सिंपल स्टेटमेंट इन ए कंपाउंड स्टेटमेंट, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज विल बी देयर, टू रेज पावर एन। तो ये ध्यान रहे आपके पास में दो की पावर एन है, तो अगर आपके पास में दो सिंपल स्टेटमेंट है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज विल बी देयर इन देयर ट्रुथ टेबल, इन द ट्रुथ टेबल ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, टू स्क्वायर। तो इसमें देखो आपके पास में ये, फिर इसमें आप क्या करोगे, टी एफ कर लेना ऐसे, टी एफ सॉरी दो दो करके ऐसे ऐसे कर लेना, एफ एफ फिर टी टी से एफ एफ, फिर इसमें अल्टरनेटिवली टी एफ इस फॉर्म में, ठीक है ये इस फॉर्म में रहेगा तीन वाले में। फिर आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है, जैसे सेट में है ना बेटा, सेट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो सेम विल बी अप्लाइड हेयर इन केस ऑफ स्टेटमेंट्स। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो आपके पास में पी एंड क्यू और आर, तो जैसे सेट में करा ना, सेट में जैसे देखो ऐसे हैं, ये किसके इक्वल होता है, ए एंड बी और ए एंड सी इस फॉर्म में, इसमें भी फिर आपके पास में पी एंड क्यू और पी एंड आर, सो दिस विल बी पी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर व्हाट, क्यू एंड आर, क्यू और आर। तो देखो ऐसा रहेगा, बीच में ये सिंबल आ जाएगा, तो फिर ऐसे बेटा ये आपके पास में P और Q एंड P और R इस फॉर्म में। तो फिर फिफ्थ है डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। तो बेटा वो आपके पास में क्या आएगा, P एंड Q नेगेशन, मतलब इसका नेगेशन ऑफ P एंड Q, तो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q ये। फिर उसमें आपके पास में नगेशन ऑफ पी और क्यू, दैट विल बी नगेशन ऑफ पी एंड नगेशन ऑफ क्यू इस फॉर्म में आएगा। तो अब इसमें देखें आइडेंटिटी लॉ क्या आएगा आपके पास में, आइडेंटिटी लॉ एक और है, सिक्स्थ है देखो, बस वो लास्ट में देखो बेटा, आइडेंटिटी लॉ। अपने को ये पता है P और T, ऑलवेज T, ठीक है ये, तो इसमें किसके बराबर आएगा, T के इक्वल आएगा, ठीक है। सो मतलब इफ एनी स्टेटमेंट इज कंबाइंड विद T, सो ट्रूथ वैल्यू विल ऑलवेज बी T, ठीक है। तो और इसमें देखो P एंड T, सो दैट विल बी P, ये P के इक्वल आएगा, ठीक है। सो इट्स ट्रूथ वैल्यू डिपेंड्स अपॉन व्हाट, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P, दैट विल बी P। तो ये ध्यान में रहे। और आपके पास में देखो P एंड C, दैट इज C, P और C, दैट इज इक्वल टू P। व्हाट इज C, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज F, F ऑलवेज कंट्राडिक्शन, विरोधक्ति। तो ये बेटा मैंने आपको क्या है सारा इस चैप्टर का वो बता दिया, थ्योरी बता दी, ठीक है। तो अब इसमें इसको इसमें दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अपने क्या है इसको कंप्लीट करें, इसके क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है।
जैसे देखो इसका बेटा एक क्वेश्चन है, ये अजय में इनमें आया हुआ है, तो इसका नेगेशन बताना है। फाइंड नेगेशन ऑफ, इसका नेगेशन बताना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो नेगेशन ऑफ एस और नेगेशन ऑफ आर, ठीक है, तो ये आपके पास में उसके ऊपर जाएगा, तो ये एंड नेगेशन ऑफ एस और एस, तो ये आपके पास में हमेशा क्या रहेगा, तो ये इसके साथ में एस के साथ में रहेगा, दिस इज ऑलवेज टी, ये टी होता है। अब इधर आपके पास में इसकी वैल्यू नेगेशन ऑफ एस और नेगेशन ऑफ आर, ये टी रहेगा, ठीक है, ये टी, तो इसमें आपके पास में ये इसकी वैल्यू तो आएगी, तो नेगेशन ऑफ एस और नेगेशन ऑफ आर। अब इसका आपको नेगेशन पूछा है बेटा, तो इसका नेगेशन क्या आएगा, देखो ये तो क्या आएगा, सो दिस इज एस एंड आर, इस तरीके से आपको ये आंसर आ जाएगा। तो मुश्किल इसमें, तो इस तरीके से आप क्या इसमें ये क्वेश्चन कीजिए, आपके पास में जेई मेन के क्वेश्चन है बेटा 19 और 20 के, तो वो उन क्वेश्चंस को सबको लगाइए, जो कोई डाउट रहता है तो व्हाट्सएप पे पूछिए, ओके। तो ये आपका टॉपिक पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया बेटा, तो ओके, थैंक यू।